नमस्कार दोस्तों, पहली बात तो शुक्रिया आप लोगों ने मेरे पद्म भूषण के लिए मुझे, अब अगर आपके शुक्रिया अदा करने में गोंग बजता रहे तो बजना दे, मैं तो अपनी बात कह लूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बीप करने की जरूरत नहीं है, ऑल इंडिया बकचोद है वो। और ये फ्रीडम पूरे हिंदुस्तान को दिया, उनका बड़ा पोर्टल बहुत पॉपुलर है, तो कोई नहीं बोलता ऑल इंडिया, आप बोल सकते हैं ऑल इंडिया बकचोद। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है खासकर इस तरह के फेस्टिवल्स में, एक आई ऑब्जेक्ट टू दैट, वी डोंट क्रिएट अ परसेप्शन, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल काइंड ऑफ व्यू पॉइंट्स, वी गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये देखिए आपने इंटॉलरेंस, ये बोलना चाहता था मैं, जहां अब मेरी फ्रीडम की स्पीच, मैंने बात करना तो बीच में टोक दिया मुझे इन्होंने, टोका नहीं, ये अगर मैंने किया होता, सुनिए मैं सीधी बात, रुक जाओ संजय, दो मिनट रुक जाओ बेटा, बोलने दो मुझे। पहली बात तो ये है कि मैं किसी, इन सबको देख के लगता है कि इन्होंने स्कूल में डिबेट्स में बहुत भाग लिया, मैंने तो कभी नहीं लिया। मैंने एक बार डिबेट्स में भाग लिया था, मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने की जगह लेडीज ऑफ द जेंटलमैन बोल दिया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम एक्सप्रेशन हम सबको मिला हुआ है। अभी डैरिल साहब ने बोला कि 50 लोगों से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था, अभी मुझे बता रहे थे कि आज आप 6,000 लोग हैं और 1,00,000 से ज्यादा लोग या 10,00,000 से ज्यादा लोग आए हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आए हैं, ये अपनी आजादी की वजह से आए हैं। हमारे जैसा देश, ये किताबें जलाने की बात कर रहे हैं भाई साहब हमारे, किताबें जलाने की बात चल रही, किताबें जो बहुत सदियों से चली आ रही हैं, कुछ धर्म में किताबें जो जलाते हैं उनके सामने फतवा कर दिया जाता है, कुछ जला में जला चलते रहती हैं, सो इसका कोई अंत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वॉट एम आई डूइंग इट। फ्रीडम ऑफ स्पीच आप घर पे बोल सकते हैं महनचोद, जो जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए, तो मानूंगा मैं आपको। आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झांपड़ मारूंगा, बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते, मगर यहां प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है, और ये है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आजादी हमारे देश में आपकी, बोल सकते हैं। तो लेट्स नॉट क्रिएट दिस परसेप्शन कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां बहुत डर के रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, आपके घरों में घुसे आ रहे हैं, आपको जेल में भेज दिया जा रहा है, कोई नहीं है। यहां पर आजकल जहाज की टिकट नहीं मिलती है, रेलवे की टिकट नहीं मिलती है, लोग गाड़ियों पे गाड़ी चले जा रहे हैं। जयपुर में 15 साल पहले आता था तो 10 मिनट में अपने होटल पहुंच जाता था, आज 1 घंटा लगा पहुंचने में। दैट मीन्स लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, लोग खुश हैं, खुशी से भारतीय होने का फायदा उठाइए। ये देश जो है, यहां जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। यहां आपको नमस्ते, ये जो मेरे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फॉरेन डिग्निटरीज ओवर हियर, सर मेरी वहां बहुत ज्यादा तलाशी होती है, मेरे जूते उतारे जाते हैं, मेरी पैंट भी कभी कभी उतारी जाती है। तो जो नियम आप घर पे लागू करते हैं उसको देश पे लागू करिए। जय हिंद।